हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू ड्रीम डोज। ये वीडियो ठीक है सबके लिए, ठीक है पीटी क्वालिफाई किए उनके लिए भी है, पीटी क्वालिफाई नहीं किए उनके लिए भी, ठीक है अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट्स में आपका कवर करना हो जो मुझे एक कमेंट आप लोगों से मिले, एक एक चीज़ में कवर करूँगा। मेंस का क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं बात करूँगा। आपको क्या तरह मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को आपको फॉलो करना है वो भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे पहला मैं बात करता हूँ आपके कमेंट्स का, जो मुझे बहुत ही मतलब जो फिजिबल कमेंट है मैं उसको लेता हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग, ठीक है बहुत सारे लोग पीटी के अबाउट बहुत ही डिमोरलाइज हो गए हैं, और लाइक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मतलब जो कमेंट किए हैं मुझे देख के बहुत ही ख़राब लग रहा है कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा। अरे यार मतलब वाई, ठीक है अगर आपने मेहनत की है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस सेम थिंग, अगर आपने मेहनत की है ठीक है तो आज आप नहीं है लिस्ट में, कल नहीं है पर परसों आप अपने ड्रीम जॉब में होंगे, ये लिख लो ठीक है। अगर आपने मेहनत की है, ज़रूरी नहीं है कि बिहार का सिस्टम आप देख रहे हो बहुत ही मतलब इशू हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिहार में ही एग्ज़ाम लगना है, ठीक है हो सकता है कि आपको अच्छे जगह उससे बेहतर आपको जॉब लगे, ठीक है। बट एक चीज़ जो आपके यहाँ दिमाग में रखना है वो रखना है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है मतलब कि जॉब बहुत कम है ठीक है पर लोग बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको जो माइंडसेट है वो आपका 50-55 नहीं रखना है, एटलीस्ट आपको हमेशा 70 रख के चलना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ ये बात कि हमें पढ़ना है पर लड़ना भी है, ठीक है जब लड़ने की बात आएगी। तो जो पीटी क्वालिफाई कर गए हैं उनको भी ये बात नहीं पता होगा कि उनका एग्ज़ाम में कितने नंबर आए थे, ठीक है। तो देखो आप पीटी वाले लोग एकदम आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है अगर एग्ज़ाम रद्द भी होता है, ठीक है ऐसे बहुत कम चांसेस है, ठीक है अगर एग्ज़ाम रद्द भी होता है ठीक है तो आप लोग क्यों टेंशन ले हो, एटलीस्ट जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए हो रहा है, ठीक है जो भी होगा आपके सामने होगा। जब कोई चीज़ अगर सही तरीके से होगा तो आप भी उसमें बेनिफिशियल रहोगे, ठीक है बेनिफिशियल किस तरीके से, आपने खुद पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिन्होंने उनको खुद नहीं पता कि एग्ज़ाम में वो कितना नंबर लेके आए, ठीक है। देखो ये तो दूसरा चीज़ हो गया, पहला अगर आपने मेहनत किया, अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप डेफिनेटली अच्छे जगह क्रैक करोगे, ये आप लिख लो मेरे बातों को, आप इसको रिकॉर्ड करके रख लो और आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो देखना यही बात आपको फिर से याद आएगी। पर मेहनत इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट 50 वाला नहीं चलेगा, 70 का माइंड सेट रखना है चाहिए आप, या बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, 70 का माइंड सेट रख के चलो, देन ओनली यू विल क्रैक योर ड्रीम जॉब, नहीं तो नहीं होने वाला है। क्योंकि सर्वाइवल और फिटनेस का कंसेप्ट आपको पता है, आपका क्या है सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो 70 का मतलब माइंड सेट 70 का रख के चलो, ठीक है अगर आपने मेहनत की है जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ये आप सुसाइड वाला बात हटा दो, और जो भी कमेंट करते हो नीचे मोटिवेटिंग कमेंट किया करो यार, ठीक है ताकि दूसरे भी मतलब थोड़ा उससे मोटिवेट हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को देख के आप ये करते हो ना। और जब आप किसी का कमेंट देखते हो इस तरीके से तो प्लीज़ आप लोग जो मतलब जो पीटी क्वालिफाई कर गए चाहे नहीं, कि एक दूसरे को थोड़ा मोटिवेट जरूर किया करो, ठीक है हम एक फैमिली की तरह, मैं बार बार यही बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का बात मैंने बताया, आप अगर मेहनत की हो आपको पक्का जॉब लगेगा, ठीक है थर्ड, ठीक है अब देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, क्या सर हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखो फिर से वही बात आती है यार, पढ़ते रहना है पर लड़ना है, ठीक है पढ़ते रहना है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस पढ़ते रहना है, ठीक है 100 दिन में आप एक दिन आंदोलन में हेल्प करने चले जाते उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और जो पीटी क्वालिफाई किए हैं जब अच्छी तरह से एग्ज़ाम होगा तो आप ऐसे ही इन हो यार, इसमें अगर इन हो तो उसमें तो और आराम से इन हो जाओगे, तो टेंशन मत लो आप, ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। सिस्टम में खराबी है सबको पता है, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, क्योंकि पीटी जिन्होंने निकाला है उनको ही नहीं पता कि उनका नंबर कितना है, मुझे नहीं पता मैं निकाला हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर कितना है, मेरे बच्चों का नंबर कितना है, ठीक है। तो पुल ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, देखो एग्ज़ाम कैंसिल हो ना हो वो तो आने वाला समय बताएगा, बट आपको पढ़ते रहना है। हर दिन मैं आपका GS का प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, बहुत ही एक एक चीज़ एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो प्रैक्टिस सेट देता हूँ, ठीक है। आपका ट्रिक का मैंने कोर्सेज स्टार्ट कर दिया, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो आपका GS का हो, तो हर दिन मेरे तरफ से आपके लिए चीज़ें आ रही है। मैथ्स और रीजनिंग का जो फुल कोर्सेज का बात हो रहा है, देखो मैंने कभी भी अपना अन अकेडमी के बारे में बात नहीं किया, मैंने ना ही कभी मैंने लिंक शेयर किया, ठीक है नहीं तो आप लोग क्या सोचोगे कि पैसा बना रहे। तो अब जो मैं लिंक डालूंगा, ठीक है क्योंकि वहां मेरा पढ़ाया हुआ है और वो चीज़ को मैं फिर से अब यहां पढ़ाऊंगा तो साल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो फ्री वाले जो कोर्सेज है मैं उसका लिंक डालूंगा, ठीक है आप क्या करना वहाँ से पढ़ लेना। ऐसे मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा कि मेंस में आपको
100% कैसे सिलेक्शन पाने। अगर आपने ESI का फॉर्म भरा, एनफोर्समेंट SI का, तो मैंने उसका ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेंस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। GS आपको NTPC में भी पूछा जाएगा, मैथ्स आपका NTPC में भी पूछा जाएगा, मतलब पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा। एट द एंड ये है, आप दरोगा के लिए पढ़ो चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। एग्ज़ाम निकलेगा, 70% का आपका माइंडसेट होना चाहिए, टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। और जो बुक्स मैंने बताए थे आपको वो फॉलो करने, ऐसे बुक्स का बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग आप टेंशन मतलब मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपका अभी जैसे इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, 100% आप निकालोगे, ठीक है, अगर मेंस, ठीक है। तो आंदोलन में आप डेफिनेटली आप जरूर सपोर्ट करें, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो ये सरकार सो रही है, सबको पता है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एटलीस्ट। यार कितना मार्क स्कोर किया हमें वही नहीं पता, ये कौन सा मतलब कैसे यार, मतलब एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलती किया, कौन सा क्वेश्चन सही। एक प्रॉपर एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, आंसर शीट देना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि उनका मतलब एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था पर रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये आंदोलन जरूरी है, तो आप ज़रूर हेल्प करें, आप जहाँ हैं जैसे उस तरीके से हेल्प करें। गलत बात ये हो जा रही है, ठीक है, आंदोलन में कि जो बड़े यूट्यूबर, देखो हम लोग तो मैंने तो इस मंथ ही ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, ठीक है, ताकि जब मेरा हमारा ये जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ा हो जाए, तो जब मैं एक बार बोलूँ ना तो काफ़ी दूर तक जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप ये जरूर कीजिएगा, बेस्ट कंटेंट फॉर द एडुकेशन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हर एक एग्ज़ाम आपका निकलेगा अगर आप मेहनत करते हो और सही रास्ते पे जो मैं बताता हूँ अगर आप चलते हो तो, ठीक है। मैंने अपना पूरा प्रोफाइल दे के रखा है, हाउ एक्चुअली आई हैव क्रैक लाइक प्रीवियस ईयर जितने भी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ वो कैसे क्रैक किया, और अभी जो 2020 का, तो आप प्लीज़ वो रिकॉर्ड देख सकते हो, अनअकैडमी मेरे प्रोफाइल्स देख सकते हो। खैर ये बताना पड़ता है, नहीं तो आप लोग खुद कमेंट करने लग जाते हो। तो मैथ्स रीजनिंग का मैं वीडियो डाल दूंगा, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, जैसे हो सकता है आंदोलन को सपोर्ट करें, जब भी ये होता है आई थिंक 13 फरवरी को, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। बड़े यूट्यूबर जितने भी है बस वो तो अपना वीडियोज ही डाल रहे हैं, ठीक है, थीके? अगर वो थोड़ा सपोर्ट कर देते तो ये शायद ज़्यादा थोड़ा प्रभाव पड़ पाता, ठीक है। पर ठीक है, कोई नहीं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सही बातें मैंने आपको बता दी है। PTE जो क्वालिफाई उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें निकाल लियो तो अगर जब कोई चीज़ सही से होगी आप आराम से निकाल ले जाओगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मेंस कैंसिल होने का चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ये अगर पीछे प्रीवियस डाटा देखा जाए, पर हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, दबाव डालना चाहिए कि जो भी अगर ये नहीं होता है तो आगे वाला एग्ज़ाम जो हो वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका जो ड्रीम जॉब है आप वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाओ। मैं फिर से कंक्लूड करता हूँ जितना मैंने पॉइंट्स लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमोडलाइज एकदम नहीं होना, अगर आपने मेहनत की है तो आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ क्या, आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, ठीक है, तो आप एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डिमांड जो है आपका क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है जॉब का, तो आपको क्या करना है, पूरे माइंडसेट से फोकस होकर 70 का दिमाग में रखना है, 50 वाला हटा दो, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा अभी यूट्यूबर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिहार का प्रॉपर इशू ये है, मैं सही सच बताता हूँ, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको वो फॉलो ही नहीं कर रहे मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं, पर जो गांव के इलाके वो हिंदी वाले को ही फॉलो कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, वो अपना चीज़ अभी तक अपडेट नहीं किए, ठीक है, मैं उन पर वीडियोज भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, ठीक है। मिलियन उनके फॉलोअर है, पर अभी भी वो अपना जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं किए। देखो अभी का क्या समय, एक्चुअली बताओ, अगर आप जैसे कि प्रोसेसर क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक है, पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स चलता था ना कंप्यूटर में, अब क्या है, ट्रांजिस्टर IC चल रहा है, तो क्या सेम चीज़ वैसे ही चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। प्रोसेसर क्या होता है, अपडेट होता है, तो आपके तरीके भी अपडेट होना चाहिए। तो प्लीज़ जिसको भी फॉलो करते हो उसको देख के फॉलो कर क्या करो, ठीक है। तो ओवरऑल यही था, ठीक है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, पर जब लड़ने की बारी आई आप ज़रूर लड़ने के लिए जाओगे, ठीक है। मेंस का रहा, मेंस डेफिनेटली देयर इज़ ए गुड चांसेस कि मेंस होगा, ठीक है, बट जो हमारा प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट पे वो एकदम होना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम होना हो, जो भी एग्ज़ाम हो वो आपका क्या हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी से हो। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें इस मतलब पूरे आंदोलन को, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में बता दूंगा आपको कैसे फॉलो करना है, टेंशन मत लो, एग्जैक्टली आप निकाल ले जाओगे मेंस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हम लोग ने 26 प्रैक्टिस सेट, अभी देखो प्रैक्टिस सेट का बात किया जाए तो 26 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने GS में किया है, 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने एप्टीट्यूड स्पेशली मैंने बनाए, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए क्या करना है आपको,
जब भी वीडियोस देखते हो आप शेयर करो। जब फैमिली बड़ा नहीं होगा तो देखो मैं कितना भी बोल लूँ इससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है किसी को, ठीक है। तो फैमिली तभी बड़ा होगा जब आप लोग चीज़ों को शेयर करोगे, ठीक है। तो आंदोलन में आप जरूर जाएं, ठीक है। आपको अगर कहीं से भी किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आप सपोर्ट जरूर करें। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, कितना नंबर हमने स्कोर किया हमें ये बताइए, बट एट द एंड क्या लड़ना है, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ते रहना है। सो स्टडी वेल स्टडी हार्ड, हर एक चीज़ मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ और करते रहूँगा, ठीक है। और अनअकैडमी का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा फ्री वाले, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। सो जय हिंद।